व्यूवर्स, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ केक। केक भी ऐसा कि आप खा के बना के हैरान हो जाएंगे, इतना टेस्टी, इतना डिलीशियस, इतना स्पॉन्जी और विदाउट ओवन। जी हाँ जनाब, हम देखिए में ये केक तैयार करेंगे और इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। तो मैं पहले आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। मैंने केवड़ा लिया है, बेकिंग पाउडर लिया है, मैदा है, ये टूटी फ्रूटीस हैं, 2 eggs हैं और मैंने चीनी को पहले से पीस के रखा है। साथ में 1/2 cup ऑफ मिल्क है, ज़र्दा कलर और बादाम है। जी तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम केक का मिक्सचर तैयार करें, सबसे पहले जो हमें करना है वो ये कि हमने इसको ग्रीस कर लेना है। इस कंटेनर को, इस केक ट्रे को हमने जी तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं 1/2 cup ऑफ मिल्क ऐड कर रही हूँ। दो जो हैं देसी अंडे लिए मैंने, आप दूसरे भी ले सकते हैं, फार्म भी। जी मैं 1/4 cup इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल। आप यहाँ बटर भी ले सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब मैं 1/2 cup जो है इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। ये पिसी हुई चीनी है, पिसी हुई चीनी ज़्यादा बेटर रहती है, दूसरी को फिर बहुत ज़्यादा आपको ब्लेंड करना पड़ेगा। जी जनाब, पिसी हुई चीनी के बाद ये देखिए, मैं तकरीबन 2 चुटकी इसमें ज़र्दा कलर यूज़ कर रही हूँ, इससे कलर बहुत शानदार आ जाएगा। देखिए टेस्ट के साथ साथ दिखने में भी अच्छा होना चाहिए ना, इसलिए आप ज़र्दा कलर भी ऐड करें इसमें। जी तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें 1 cup जो है वो मैदा ऐड करने लगी हूँ। ये देखिए इस तरह छान के आप इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लें। ये देखिए आपने कुछ मैदा डाल दिया, इसको पहले मिक्स कर लें, पता है ये बाद में गुठलियाँ बन जाएंगी और हम ठीक से इसको बीट नहीं कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से मिक्सचर में मिक्स कर लिए। अब बाकी का जो मैदा है उसको मैं इसी तरह से स्ट्रेन करके इसमें ऐड करूँगी। जी तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से बीट किया है। असल काम जो है वो इसको बीट करना ही है, जब भी आप परफेक्टली बना सकते हैं। देखिए जी, इधर मैं बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ, ये देखिए 1 चम्मच भर के। इसे भी आप अच्छे से मिक्स कर लें, इंशाल्लाह आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। मिक्सिंग अच्छी करें, इस पर थोड़ी सी मेहनत कर लें ताकि रिजल्ट्स अच्छे आए। देखिए हमने 2-3 steps में करके 1 cup को स्ट्रेन किया है और फिर इसको हम साथ साथ मिक्स करते रहे हैं। जी तो जनाब, ये देखिए इसमें किसी किस्म की कोई गुठलियाँ नहीं बनी और ये टेक्सचर है इसका, ये देखिए कितना स्मूथ है माशाल्लाह। जी तो अब इसमें हम ऐड कर लेंगे 2 टूटी फ्रूटीज। ये देखिए जी, मैंने ये छोटे पीसेस में काट ली थी। मैंने ये जो लिया है, ये देखिए, ये मैंने लिया है गाजर का मुरब्बा। आप यही वाला ग्रीन और रेड मुरब्बा भी ले सकते हैं जो आम सिंपल मिलता है। इसको मैंने छोटे पीसेस में डिवाइड कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है।
है जी, आप इसमें कोई और भी अपनी पसंद का फ्रूट ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो जनाब ये देखिए, अब ये मिक्सचर जो है हम इसमें ट्रे में ऐड कर रहे हैं। देखिए जी, तो बाउल को अच्छे से साफ किया करें, इससे मालिक राजी होते हैं और इसमें बरकत भी अता फरमाते हैं। केक लगे ना, तो जनाब ये मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये सिंपल सी एक कटोरी है, इसको आप देखिए, में जो मैंने 2-3 मिनट पहले से गर्म करके रखा था, जी इस तरह से रख दें। आपके पास कोई भी कटोरी है, बस मकसद ये है हमारा कि जो इसका तला है देखिए का, उस पर डायरेक्ट केक को हीट नहीं लगे, इनडायरेक्टली होना चाहिए जी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, सबसे स्लो वाला फ्लेम होना चाहिए, देखिए इतना सा जी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये इसे मैं देखची में रख चुकी हूँ। अब इसको हम कवर कर लेंगे। आपने किसी किस्म की कोई जल्दी नहीं करनी इसको बेक करने में, घंटे से डेढ़ घंटा भी लग सकता है। बीच में एक दो बार इसको ट्राई कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि ये बेक हुआ है या नहीं जी। तो व्यूवर्स अब हम इसे चेक कर लेते हैं टूथपिक डाल के। ये देखिए जी, हमारी टूथपिक जो है बिल्कुल क्लियर आई है। इट्स मीन कि केक पूरी तरह पक चुका है। अब इसको हम एहतियात से निकाल लेते हैं, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। लेकिन हाँ, अगर टूथपिक पे केक लग के आए, इसमें उसके छोटे छोटे ज़र्रात आए, तो फिर इसमें कसर बाकी है। लेकिन हमारी टूथपिक बिल्कुल क्लियर है, देखिए।